अंजनी के लाल सुन लो मेरी पुकार। लखनऊ में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगल बड़े मंगल के रूप में मनाए जाते हैं और इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूरे शहर में पूरे उत्साह में यह पर्व मनाया जाता है। पूरा लखनऊ लाल लंगोटे की जय के उद्घोष में गूंज उठता है। फ्रेंड्स चलिए आपको भी हम ले चलते हैं मंदिर और हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। और इस बार 21 मई से 11 जून तक ज्येष्ठ मास के चार बड़े मंगल थे और आज है आखिरी बड़ा मंगल 11 जून को। बड़े मंगल को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नवाब शुजाउद्दौला की दूसरी पत्नी जनाबे आलिया को स्वप्न में आया था कि उनको हनुमान मंदिर का निर्माण कराना है। सपने में मिले आदेश को पूरा करने के लिए आलिया जी ने हनुमान की मूर्ति मंगवाई। हनुमान की मूर्ति हाथी पे ले जाई जा रही थी और मूर्ति को लेकर आता हुआ हाथी अलीगंज के एक स्थान पर बैठ गया, फिर वह उस स्थान से नहीं उठा। आलिया ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाना शुरू किया जो आज पुराना हनुमान मंदिर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण ज्येष्ठ के महीने में पूरा हुआ। मंदिर बनने पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और बड़ा भंडारा हुआ। तब से ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। ज्येष्ठ का महीना साधना और सेवा के लिए प्रेरित करता है और पूरे माह सेवा पूजन और धान भंडारा किया जाता है। फ्रेंड्स आज आखिरी बड़ा मंगल था इसलिए आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत ही क्राउड है और मंदिर के अंदर हम पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं इसलिए मैंने बाहर से आपको सीन लगाया। और कई आज बहुत ही भंडारे थे, जगह जगह पर भंडारे थे और बहुत भीड़ है, तो आपको मैं थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाती हूँ। बड़े मंगल में हनुमान सेतु मंदिर में भी भोग लगाने के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये है हनुमान सेतु मंदिर जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने स्थित है। और बड़े मंगल की खास बात यह है यह आयोजन और यह पर्व केवल लखनऊ में ही मनाया जाता है। शहर में जहाँ जगह पर भंडारा और प्याव लगाने का भी आयोजन किया जाता है। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आज पूरे लखनऊ शहर में बहुत ही क्राउड है और हर मंदिर में आप देख रहे होंगे बहुत ही भीड़ है और पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया गया है और लोग देखिए कितनी भीड़ है भंडारों में, सब लोग जा रहे हैं। और वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल था लेकिन छोटा सा वीडियो आपके लिए लाई हूँ मैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।